नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है गीत एकेडमी में। आज मैं आप लोगों के साथ एक स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी, जो क्लास 1 से लेके 10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंडिविजुअली या स्कूल के द्वारा दोनों तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं बच्चे लोग। इस स्कॉलरशिप से स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट, मेडल्स और उनके साथ 800 रुपीज़ तक का कैश पर मंथ मिल सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडियन स्कूल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम इज इंटरनेशनल लेवल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन for Indian schools. It is an incomparable educational measurement and assessment service. ISTC is a scientifically designed skill-based assessment test to gauge the strengths and weaknesses of individual students. ISTC is designed to assess the overall intellectual potential of the students from class 1 to 10. It uses conceptual multiple choice questions to focus on measuring how well skills and concepts underlying the school syllabus have been understood by the student. Question paper will be comparison questions from mental and logical ability, mathematics, science, and English. ISTC exam is conducted separately for direct एंड स्कूल स्टूडेंट्स। एग्जाम 1 में मैं डिस्कस करूँगी इंडिविजुअल स्टूडेंट्स कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनका डिटेल्स, और एग्जाम 2 में मैं डिस्कस करूँगी स्कूल के द्वारा स्टूडेंट्स कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनका डिटेल्स। तो चलिए पहले मैं एग्जाम 1 के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एग्ज़ाम 1 कॉन्डक्ट होगा ऑनलाइन के थ्रू। क्लास 1 से लेके 5 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होगा 1 नवंबर 2020, और क्लास 6 से लेके 10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होगा 8 नवंबर 2020। चलिए अब देख लेते हैं इस एग्ज़ाम से स्टूडेंट्स क्या क्या अचीव कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने वाले हर एक स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट मिलेंगे। 95% और अबव स्कोर करेंगे जो स्टूडेंट्स, उनको स्कॉलर सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल मिलेंगे। 95% से लेके 94.99% स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स को मिलेंगे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट अलोंग विद सिल्वर मेडल। 80% से लेके 89.99% स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स को मिलेंगे डिस्टिंग्विश्ड परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट अलोंग विद ए ब्रॉन्ज मेडल। 60% से लेके 79.99% स्कोर विल गेट ए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, एंड लास्ट बिलो 60% विल गेट ए डिजिटल पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। चलिए अब देख लेते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। टॉप 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच क्लास विल बी अवार्डेड इंटरनेशनल रैंक 1 स्कॉलरशिप ऑफ 1500 रुपीज़ पर मंथ फॉर 12 मंथ्स प्लस टॉपर सील्ड। इंटरनेशनल रैंक 2 को मिलेंगे स्कॉलरशिप ऑफ 1000 पर मंथ फॉर 12 मंथ्स एंड फर्स्ट रनर अप सील्ड, एंड इंटरनेशनल रैंक 3 को मिलेंगे स्कॉलरशिप ऑफ 500 रुपीज़ पर मंथ फॉर 12 मंथ्स एंड सेकेंड रनर अप सील्ड। ISTC ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद वीडियो इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का, वो भी टॉप 10 मार्क्स होल्डर्स के बीच टॉप 10 रैंक्स चूज करने के लिए। स्कॉलरशिप के कुछ रूल है। अगर स्टूडेंट्स को मिनिमम 60% मार्क्स मिलते हैं ISTC ऑनलाइन एग्ज़ाम से, तब उनको स्कॉलरशिप मिलेंगे। इफ़ नन ऑफ द स्टूडेंट्स इज स्कोरिंग 60% मार्क्स, देन द स्कॉलरशिप विल नॉट बी अवार्डेड टू एनी स्टूडेंट्स। चलिए अब देख लेते हैं रैंकिंग क्राइटेरिया क्या क्या है। इन केस 2 और मोर स्टूडेंट्स स्कोर द सेम नंबर ऑफ मार्क्स, रैंक्स विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। रूल 1, द स्टूडेंट हु विल गेट मोर मार्क्स इन स्कॉलर सेक्शन विल गेट हायर रैंक।
Rule 2. The student who will get more marks in math will get higher rank. Rule 3. The students who will get more marks in science will get higher rank. Rule 4. Students who will get more marks in mental and logical ability will get higher rank. Rule 5. Students who will get more marks in English will get higher rank. Rule 6. Time taken by student in completing the exam paper, the student who has taken lesser time will get higher rank. And Rule 7. If two students get the same marks, the student who is younger in age will be given preference. ये हो गया एग्जाम वन के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन. अब बात करते हैं एग्जाम टू के बारे में, जो स्कूल के थ्रू स्टूडेंट्स लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ये एग्ज़ाम पेपर बेस्ड या ऑनलाइन होगा, डिपेंड करते हैं स्कूल रीओपनिंग के ऊपर. एग्ज़ाम होगा 25 नवंबर 2020 को, और इसमें क्लास वन से लेके क्लास टेन स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हर एक स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट मिलेंगे. 95% और अबव स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स को स्कॉलर सर्टिफिकेट मिलेंगे विद गोल्ड मेडल. 90% से लेके 94.99% स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स को मिलेंगे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद सिल्वर मेडल. 80% से लेके 89.99% विल गेट ए डिस्टिंग्विश्ड परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद ए ब्रॉन्ज मेडल. एंड लास्ट बिलो 75% विल गेट ए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट. अब डिस्कस करते हैं स्कूल के थ्रू अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या क्या अचीव कर सकते हैं. इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, चलिए देख लेते हैं. रूल 1. अगर एक स्कूल के एक पर्टिकुलर क्लास के 50 या उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं तो उनमें से फर्स्ट टॉपर को 1500 रुपीज़ कैश और उनके साथ गोल्ड मेडल मिलेंगे. सेकेंड टॉपर को 1000 रुपीज़ कैश प्लस सिल्वर मेडल, और थर्ड टॉपर को 500 रुपीज़ कैश और उनके साथ ब्रॉन्ज मेडल मिलेंगे. रूल नंबर 2. अगर एक स्कूल के अंदर एक पर्टिकुलर क्लास के 25 से लेके 49 स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनमें से फर्स्ट टॉपर को 1500 रुपीज़ कैश और गोल्ड मेडल मिलेंगे. सेकेंड टॉपर को सिल्वर मेडल, और थर्ड टॉपर विल गेट ब्रॉन्ज मेडल. रूल नंबर 3. अगर एक स्कूल के अंदर एक पर्टिकुलर क्लास के 15 से लेके 24 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं तो उनमें से फर्स्ट टॉपर को गोल्ड मेडल, सेकेंड टॉपर को सिल्वर मेडल एंड थर्ड टॉपर को ब्रॉन्ज मेडल मिलेंगे. एंड रूल नंबर 4. अगर एक स्कूल के अंदर एक पर्टिकुलर क्लास के 5 से लेके 14 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं तो इनमें से सिर्फ फर्स्ट टॉपर्स विल गेट ए गोल्ड मेडल. अब देख लेते हैं स्कूल के थ्रू मतलब एग्ज़ाम टू में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या क्या अवार्ड्स और स्कॉलरशिप अचीव कर सकते हैं स्टूडेंट्स लोग. रूल नंबर 1. अगर एक स्कूल के टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स 500 या उनसे ज़्यादा हो तो फर्स्ट स्कूल टॉपर्स को 1500 रुपीज़ कैश स्कॉलरशिप 12 मंथ तक, और स्कूल टॉपर्स शील्ड मिलेंगे. सेकेंड स्कूल टॉपर को 1000 रुपीज़ कैश 12 मंथ तक, और फर्स्ट रनर अप सील्ड मिलेंगे. एंड थर्ड स्कूल टॉपर्स को 500 रुपीज़ कैश 12 मंथ तक, और सेकेंड रनर अप सील्ड मिलेंगे. रूल नंबर 2. अगर एक स्कूल के टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स 325 से लेके 499 तक हो तो फर्स्ट स्कूल टॉपर विल गेट ए स्कॉलरशिप ऑफ 1500 रुपीज़ फॉर 12 मंथ्स, और स्कूल टॉपर सील्ड. चलिए अब देख लेते हैं स्कूल टॉपर सिलेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स. रूल नंबर 1. शुड हैव गॉट मिनिमम 60% मार्क्स इन द ISTC एग्जामिनेशन. Rule 2. Must be a class topper for the current ISTSC exam. Rule number 3. Must have got the highest percentile in the current ISTSC exam among all the class toppers. Rule number 4. Must have got the highest percentile in scholar section of the current ISTSC exam
among all the class toppers, rule number 5, must have got the highest percentile in mathematics section of the current ISTC exam among all the class toppers. Rule number 6, must have got the highest percentile in science section of the current ISTC exam among all the class toppers. Rule number 7, must have got the highest percentile in mental and logical ability section of the current ISTC exam among all the class toppers. And rule number 8, must have got the highest percentile in English section of the current ISTC exam among all the class toppers. इस पूरे एग्जाम में एक स्टूडेंट्स को एक ही अवार्ड मिलेंगे. The winner will be entitled to the higher level award only. इसमें भी वीडियो इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स के ऊपर, वो भी टॉप 10 मार्क्स होल्डर्स के बीच 10th रैंक के स्टूडेंट्स चूज करने के लिए. स्क्रीन में अभी आप लोग देख सकते हैं दोनों एग्जाम का ड्यूरेशन एंड व्हाट आर द सिलेबस ऑफ बोथ द एग्जाम. देयर इज नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर. एग्जाम 1 यानी कि इंडिविजुअली अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस 399 रुपीस लगेंगे और लेट फीस 490 रुपीस लग सकते हैं. वैसे तो रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट मेंशन किया नहीं, पर लिमिटेड सीट्स है. सीट अगर पहले ही फिलअप हो जाए तो क्या पता रजिस्ट्रेशन बंद भी हो सकता है. और अगर आप स्कूल के थ्रू पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 200 रुपीस रजिस्ट्रेशन फीस लगेंगे. स्कूल के थ्रू रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट है 15 सितंबर 2020. एग्ज़ाम 1 एंड एग्ज़ाम 2 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके चेक कर सकते हैं. आई होप कि मैंने इस वीडियो में इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन शेयर की है. फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट या क्वेरीज हो तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहां से भी अपना डाउट या क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेके. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.